नाजीन आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक फिरदौस आशिक अवान साहिबा की उस वीडियो से है। जारी बात है लोग उस वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कौन गलत था, तो ये कि हो गया वो हो गया, फिरदौस आशिक अवान के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो डिटेल देने जा रहा हूँ वो बैकग्राउंड डिटेल है कि एक्चुअली मामला यहाँ तक किस तरह पहुंचा। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो इस जहनी कैफियत तक पहुंची किस तरह है। पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ के जो मेरे लोगों से बात हुई है वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक फिरदौस आशिक अवान साहिबा की उस वीडियो से है जो आप इस वक्त सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। मैं उसको दोबारा मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपको इस वीलॉग के अंदर जो तफसीलात हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको नहीं कहीं और पता लगेंगी। जारी बात है लोग उस वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जी कौन गलत था, तो ये कि हो गया वो हो गया, फिरदौस आशिक अवान के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो डिटेल देने जा रहा हूँ वो बैकग्राउंड डिटेल है कि एक्चुअली मामला यहाँ तक किस तरह पहुँचा। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो इस जहनी कैफियत तक पहुँची किस तरह है, ये सारा कुछ मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए क्योंकि बात लंबी होने वाली है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। अच्छा, ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है ना, आपको ये तो पता है कि ये पहले जो है वो इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट के साथ थी, सेंटर के अंदर काम कर रही थी, उसके बाद एक किस्म की इनकी इनको हटाया गया, फिर इनकी डिमोशन हुई और डिमोशन होकर ये पंजाब के अंदर जो है उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो है वो काम कर रही हैं। तो एक तो ये जेन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है ना पिछले कई दिनों से मीडिया के ऊपर इतना नहीं आ रही थी, कम आ रही थी निस्बतन, जितना उनको शौक है या जितना वो आती हैं रही हैं उससे निस्बतन कम आ रही थी। एक बात, नॉर्मली टॉक शोज़ के लिए जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किसी टॉक शो में शिरकत करनी होती है तो उसके लिए DGPR जो है वो आपसे राबता करता है, हाँ यानी हमसे हमारी टीमों से राबता करता है कि जी आज आप फिरदौस आशिक अवान को जो है वो आप दावत दें। इस केस में भी यही हुआ कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के लिए जो है वो DGPR ने कहा कि जी आप फिरदौस आशिक अवान को अगर काइंडली आप ले लें आज के प्रोग्राम में, तो उन्होंने ले लिया, बुला लिया उनको। अच्छा, ये जो कुछ भी वाकया हुआ है इसका ताल्लुक मेरे भी एक शो के साथ है, वो भी मैं उसकी डिटेल भी अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, अब वो आ गई शो के लिए। अब नॉर्मली ये होता है कि क्योंकि ज़्यादातर शोज़ के अंदर सबसे पहले दावत या कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट रिलेटेड इशूज़ होते हैं, जाहिर बात है बजट आने वाला है तो कोशिश यही होती है कि हुकूमत सबसे पहले जो है वो अपना मौकफ दे, क्योंकि उसका मौकफ सबसे पहले आना चाहिए। इस केस में भी यही हुआ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो जावेद चौधरी साहब ने उनसे सवाल किया, पहले जावेद चौधरी साहब ने अपनी एक ओपनिंग की, उसके बाद ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होता है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा से पहला सवाल होता है और वो उसका जवाब देना शुरू करती हैं। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की एक कोशिश होती है, मैंने हमेशा टॉक शोज के अंदर ये देखा और आप इस शो को भी उठा के देख लीजिएगा और माजी के शोज को भी उठा के देख लीजिएगा कि जब वो बात करना शुरू करती हैं ना तो अपना जवाब ये लंबा जवाब देती हैं। वो नॉर्मली हम लोगों की कोशिश होती है कि बात जो है ना वो मिनट डेढ़ मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो दो मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, लेकिन चंद ऐसे स्पीकर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं जिनकी आदत होती है लंबी बात करने की। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी जो है वो रज के एक लंबा जवाब दिया, आप उठा के देख लीजिएगा। और सिर्फ इसमें नहीं, और भी शोज जो हैं आप उठा के देख लीजिएगा, इनकी कोशिश होती है जब इनसे सवाल किया जाए तो फिर ये लंबा जवाब देती हैं। उसका मकसद ये होता है कि कैमरा मेरे पे फिक्स रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइम लूँ और मुझे कोई रोक टोक ना सके, होगी बात खत्म होगी। अच्छा, उसके बाद जो अगला उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ 4-5 मिनट का उन्होंने बड़ा लंबा जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इस सारे मामले के बाद अजमा बुखारी साहिबा से सवाल किया जाता है, अजमा बुखारी साहिबा अपना जवाब देना शुरू करती हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी देर के बाद जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनको बीच में इंटरप्ट करना शुरू करती हैं। अजमा बुखारी साहिबा जो है वो काफ़ी इरिटेट होती हैं और वो कहती हैं कि जी आप क्यों मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, मुझे बात करने दें। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप अपना आर्ग्यूमेंट सेटल ना कर सकें, अजमा बुखारी अपना आर्ग्यूमेंट सेटल ना कर सकें। ये एक टैक्टिक होता है, ये गेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यहाँ पर यह टैक्टिक इस्तेमाल किया। जावेद चौधरी साहब उसके बाद आते हैं मंदोखेल साहब के पास और उनसे बैठ के ये सवाल करते हैं कि जी आप बताइए कि जो भी उनसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो जवाब देना शुरू करते हैं, वो भी जवाब दे रहे होते हैं कि इसके बाद फिर एक इंटरजेक्शन होती है और उनको जो है उनको भी रोका जाता है
कि जी आपने ये क्यों कह दिया, वो कह दिया, और यहाँ पे मामला जो है अब गर्म होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा दुख है, ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा वो गुस्से में है इस बात के उन लोगों से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिच करके पीटीआई के अंदर गए हैं। तो फिरदौस आशिक अवान जो हैं उनमें से एक हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई लोगों के बारे में आपको ये बात बता दूं कि उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उन लोगों के साथ शोज के अंदर ना बैठें जो पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पे नदीम अफजल चन्न हो गए, इस तरह और भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीटीआई के अंदर गया हुआ है उनसे कोशिश होती है उनके साथ कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि जारी बात है एक पुराना रिलेशन रहा हुआ है, दोनों एक दूसरे के इन्स एंड आउट सारा कुछ जानते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें। एनी वेज यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों आके बैठ गए। अब फिरदौस आशिक अवान साहब ने जो हरकत अजमा बुखारी के साथ की थी कि उनकी बात को इंटरप्ट करने की, वो यहां पे भी उन्होंने स्टार्ट की। जब यहां पे उन्होंने स्टार्ट की तो अब आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। आर्ग्यूमेंट बढ़ना शुरू हुआ तो यहां पे जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे मंदू खेल साहब, उनकी जानिब से फिरदौस आशिक अवान के ऊपर जो है वो करप्शन के इल्जाम लगाए गए और उन्होंने कहा जी आपके ऊपर तो खुद करप्शन के, सियालकोट से आप जाके पूछ लीजिए। अब फिरदौस आशिक अवान जो है ना वो इस चीज़ को हमें, इन्होंने मेरे शो के अंदर भी हरकत की थी कि जी आप मेरे पे पर्सनल मुझ पर एक अटैक क्यों कर रहे हैं। इसका पर्सनल अटैक के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मेरे ख्याल में सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा को ये सिखाने की जरूरत है कि पर्सनल अटैक क्या होता है। पर्सनल अटैक, अगर आपके ऊपर करप्शन चार्जेस के बारे में बात हो रही है तो ये पर्सनल अटैक नहीं है। पर्सनल अटैक होता है आपकी जाती जिंदगी के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से या आपके रिश्तेदारों के हवाले से, और वो जिसका वो क्लेम कर रही है कि जी मेरे वालिद साहब को गाली दी गई, मैं उस पर भी आता हूँ, तो वो होता है पर्सनल अटैक। अगर कोई आपके बारे में ये कह रहा है कि आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या करप्शन के इल्जाम हैं तो ये पर्सनल नहीं है। फिरदौस आशिक अवान जो साहिबा जो है वो इसको पर्सनली लेती हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ से अब कहना शुरू किया कि जी आप मेरे पे मुझसे पर्सनल क्यों हो रहे हैं और आप मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और अब उनके पास आर्ग्यूमेंट जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे गर्मी सर्दी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हुई। यहाँ तक कि उन्होंने, मंदू खेल साहब ने ये भी कहा कि आपके ऊपर तो ARY के चैनल के ऊपर भी ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उस चैनल के ऊपर भी कि जी आपने जो है वो कमीशनें खाई हुई हैं। फिरदौस आशिक अवान ने, ये ARY के ऊपर खबर चली थी कि हाँ जी फिरदौस आशिक अवान के ऊपर ये इल्ज़ाम हैं, तो उसका भी उन्होंने कोई जवाब दिया। बहरहाल गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जावेद चौधरी साहब ने ये समझा, बेहतर समझा कि जी इसको यहाँ पे ब्रेक ले ली जाए। उन्होंने प्रोग्राम के अंदर ब्रेक ले ली। ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं जो टीवी के ऊपर चल रही है, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये प्रोग्राम के बाद हुआ है। ये प्रोग्राम के बाद नहीं हुआ, ये दूसरी ब्रेक के अंदर ये सब कुछ हुआ है जब मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचे और वहां पे ये दोनों खड़े हुए और खड़े होके जो है वो अब आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बहस शुरू हो गई। अच्छा, ये जब बहस स्टार्ट होती है तो उसके बाद इस दौरान देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो है वो इनको, मंदू खेल साहब को एक गाली निकाली। उन्होंने स्पेसिफिकली एक गाली निकाली। गाली निकालने के बाद उनका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। गिरेबान पकड़ने के बाद जो है उनको एक थप्पड़ भी उन्होंने रिसीव कर दिया, जिसके ऊपर उन्होंने उनका हाथ पकड़ के झटका। अब ये सारा कुछ जब हो गया, ये सारी बातें हो गईं, तो उसके बाद जाहिर बात है वो पूरी टीम जो है वो साथ ही कंट्रोल रूम होता है किसी भी स्टूडियो का, वहाँ से लोग वगैरह आ गए और उन्होंने बच बचाव कराया। उसके बाद इस सारे वाक्य के बाद ये बैठे और प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। ये नहीं हुआ कि प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ और मामला जो है वो फिर रूटीन की तरह प्रोग्राम जो है वो सारा चलाया। लेकिन उसके बाद मेरी इतलात के मुताबिक जब प्रोग्राम खत्म हुआ है तो उसके बाद भी इन दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स एक दफा फिर शुरू हुए, और इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह भी कहा कि जी मैं आपके खिलाफ जो है वो FIR कटाऊंगी हरासमेंट की। और इसी तरह मंदू खेल साहब ने भी आगे से ये कहा कि जी मैं खुद एक लॉयर हूं तो मैं आपके ऊपर अगर जो कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहा हूं या जो कुछ भी आपने कानूनी तौर पर करना है आप 100 दफ़ा करें, कोई इशू नहीं है। तो ये है डिटेल जो एक्चुअली सब कुछ हुआ है। अब मेरी इतलात के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस नहज तक क्यों पहुँची हैं, अब मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ जो PTI के अपने अंदर सर्कल्स ये बात कर रहे हैं, मैं वो आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ। एक साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हुआ क्या है, आखिर ये इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है। वो जो सियालकोट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो वाक्या पेश आया था वो हुआ। अच्छा, मैं इसमें आपको अपने शो के हवाले से भी बता दूं, मेरे शो के अंदर आज से तकरीबन 2 या 2.5-3 महीने पहले फिरदौस आशिक अवान साहिब आई थी और उसके अंदर अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे।
अब वहां पे भी अताउल्लाह तारड़ जो है वो एक लॉयर है, जारी बात है, यहाँ पे मंदुखेल साहब भी एक लॉयर है। लॉयर्स जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे देते हैं कंपैरेटिवली, और ये इसका जारी बात है वो किसी भी पार्टी से हो, बाबर अवान हो जाए या कोई भी हो जाए, उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने आते हैं, फवाद चौधरी हो जाए। अच्छा, वहां पे भी मेरे प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो अताउल्लाह तारड़ जो है बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, और फिरदौस आशिक वान साहब से संभाला नहीं जा रहा था, मामलात संभाले नहीं जा रहे थे। अब वो पैनिक के अंदर आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट में किस तरह दूं, नहीं समझ आ रही थी। एनीवेज वो काफ़ी लड़ाई शड़ाई हुई। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम अभी स्टूडियो के अंदर ही थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने अताउल्लाह तारड़ को क्यों बुलाया, मुझे उन्होंने कहा। मैंने कहा जी क्यों, क्या मसला है? उन्होंने कहा इसकी औकात क्या है कि ये मेरे साथ खड़ा हो। मैंने कहा जी आपकी क्या बात कर रही हैं, औकात से क्या मुराद है? तो उन्होंने कहा नहीं ये है ही कोई नहीं, इसकी वैल्यू क्या है कि मेरे साथ खड़ा हो। मैंने कहा जी ये अपनी पार्टी के अहदेदार हैं और आप इस तरह नहीं कह सकती, और दूसरी बात ये कि हमने किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना ये फैसला आप नहीं करेंगी, ये फैसला हम करेंगे। तो वहां पे भी गर्मी सर्दी स्टार्ट हुई अताउल्लाह तारड़ के साथ, और उन्होंने मुझे ये बात कही, उन्होंने कहा कि अताउल्लाह तारड़ से जब वो बहस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अब अगला कदम यही हो सकता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ दे मारूं, ये अताउल्लाह तारड़ को उन्होंने कहा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तारड़ साहब ने अभी तक ना आपके ऊपर कोई ऐसी बात कही है, ना आपके ऊपर कोई हाथ उठाया या कोई, आप किस तरह कह सकती हैं उनको कि जी मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूं। एनीवेज वो मामला वहां तक नहीं पहुंचा जो मामला कल रात तक आपने देखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरे लोगों से बात हुई है वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं। उनका ये कहना है कि फिरदौस आशिक अवान साहब के साथ कुछ कुछ वही मसला है जो दरअसल में उनके साथ है चौधरी निसार साहब के साथ। आज चौधरी ज़हनी कैफियत को जरा अंडरस्टैंड करें, चौधरी निसार साहब जो हैं वो वजीर दाखिला रहे हुए हैं, वफाकी वजीर दाखिला, ठीक है, इतने बड़े ओहदे के ऊपर, मतलब आप ये समझ लें कि पावर के लिहाज से एक किस्म का इट इज़ सेकंड टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं शायद इसको इसी तरह, या वजीर खारजा होता है या वजीर दाखला होता है जो इतना इंपॉर्टेंट वजीर होता है। तो चौधरी निसार इतने अहम ओहदे पर रहे हैं, वो आके 3 साल उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया MPA का, क्योंकि वो कहते हैं मैं MPA, मैं वहां पे रहा हूं तो मैं एमपीए किस तरह से। फिरदौस आशिक वान साहब के साथ भी यही मसला है, ये वजीर इत्तलात रही हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद यही पोर्टफोलियो इनके पास सेंटर के अंदर था, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वहां से इनकी डिमोशन हुई है और डिमोट होकर अब ये पंजाब के अंदर आ गई है। अब पंजाब में आके इन्होंने बहुत कोशिश की है, ये आप पूरा दिन में उठा के देख लें कि ये मीडिया को बुलाना और बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इसको हम लोग जर्नलिज्म के अंदर बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, बेसिक मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं TV के ऊपर आ जाऊं, कैमरा मेरे पर फोकस रहे। तो उन्होंने वो ये करती रही हैं, बल्कि यहाँ तक के पंजाब कैबिनेट के मेंबर्स के साथ बैठ के एक एक करके मिनिस्टर्स के साथ बैठती थी, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मकसद ये होता था कि उस डिपार्टमेंट के बारे में बताना कि उस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, वजीर का मकसद था कि वजीर बताएगा जी मैंने क्या किया। फिरदौस आशिक वान साहब क्या करती थी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हाईजैक कर लेती थी, वो मिनिस्टर बेचारा जो है वो हाथ मलता रह जाता था, उसको उसकी खबर इतनी सी लगती थी, फिरदौस आशिक वान साहब की खबर इतनी लगती थी। या इनके अपने मिनिस्टर्स भी इनकी परफॉर्मेंस से तंग आए हुए हैं कि जी इनको लाइमलाइट में रहने का इतना शौक है। उसके बाद वो जो सियालकोट वाला वाकया हुआ, सियालकोट वाले वाकये के बाद जो है वो भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो अच्छी खासी, मतलब उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। इट वॉज अज एम्बेरसमेंट, ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर फिरदौस आशिक अवान एंड ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब तब से लेकर अब तक वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप देखें पिछले कई दिनों से जो है फिरदौस आशिक अवान साहब TV के ऊपर टॉक शोज में उतना नहीं आ रही जितना आया करती थी। नाउ दिस वॉज द टाइम कि उनकी री एंट्री हो, वो री एंट्री हुई, आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते 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 यहां तक आ गई कि उन्होंने थप्पड़ दे मारा अगले को। तो अब उसमें शायद ये उनका एक टैक्टिक है जी, मेरा ये जो एग्रेसिव पोस्चर है ना उससे मैं खबरों में दोबारा आ जाती हूँ, और वो आ गई हैं। वो पिछले 12 घंटे में सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह फिरदौस आशिक अवान डिस्कस हो रही हैं, बाकी सब कुछ पीछे चला गया, ट्रेन का हादसा पीछे चला गया, बजट पीछे चला गया, सब कुछ पीछे चला गया, सिर्फ फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो अब इस वक्त हर जगह डिस्कस हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वैसे भी एग्रेसिव नेचर चूंकि बहुत पसंद किया जाता है, तो फिरदौस आशिक अवान साहब अभी जो है वही गेम खेल रही हैं जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी उनकी इंक्रीज होती है। तो ये अब तक की डिटेल्स थी, ये क्या कुछ हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।